शादी करके लौट रहे थे, दुल्हा दुल्हन पुलिस ने पकड़ लिया, हवालात में डाला। गुजरात में वलसाइड शहर में नवविवाहिता जोड़े को पहली ही रात हवालात की बितानी पड़ी। दरअसल यह जोड़ा कोरोना कारण के नाइट कर्फ्यू के बीच शादी करके घर लौट रहा था। उनके साथ परिवार के अन्य लोग भी थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उनको सभी को रोक दिया, कोरोना गाइडलाइंस का पालन ना करने का हिरासत में ले लिया। इसी वजह से शादी की पहली ही रात दोनों पति पत्नी को हवालात में रहकर गुजारनी पड़ी। नई जानकारी के मुताबिक बता दें कि शादी वलसाड शहर के बाहरी इलाके में स्थित थी, फार्म हाउस पर रखी गई थी। जैसे ही शादी खत्म हुई, दुल्हा दुल्हन परिवार के साथ मिलकर घर जा रहे थे। उसी दौरान उन्होंने पुलिस ने उनको कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करने पर दुल्हा दुल्हन समेत अन्य बरातियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल बरातियों और नौ दंपत ने मंगलवार को सुबह पुलिस स्टेशन जमानत पर छोड़ा गया। पुलिस का आरोप है कि जब उन्हीं लोगों को रोका गया जो पुलिस दुल्हा पुलिस के साथ बदतमीजी करने लगा, तो वहीं दूल्हे का कहना है कि वह लोग कारणवश लेट हो गए थे और परिवार वाले रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, दुल्हा दुल्हन को जाने दें, भले ही बरातियों को कार्रवाई के चलते रोक लें, लेकिन पुलिस ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया और उनको पुलिस स्टेशन ले गया। हाल ही में गुजरात के वापी जिले में डीजे की धुन पर हजारों लोग थिरकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यहाँ के बीजेपी तहसील पंचायत के उपाध्यक्ष देवर की शादी थी। इसी शादी में पूरा गांव जुटा हुआ जमकर डांस कर रहा था।